हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल नोविट। आज हम इस वीडियो में जानेंगे ईएसएल कंपनी के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि इसका एग्ज़ाम होने वाला है, तो हमें इस कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत कुछ पता होना चाहिए। तो चलो चलते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट जो लिखा गया है वो है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। उसको एब्रिवेटेड ऐसे लिखा जाता है, ईएसएल इज़ ए सुपर एनर्जी सर्विस कंपनी, ESCO। और इसका जो तो दूसरा पॉइंट है वो है ESL एनेबल्स कंज्यूमर इंडस्ट्रीज एंड गवर्नमेंट्स टू इफेक्टिवली मैनेज देयर एनर्जी नीड्स थ्रू एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। और जो थर्ड पॉइंट है ये है ESL इज इम्प्लीमेंटिंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट नॉन सब्सिडाइज एनर्जी एफिशिएंसी पोर्टफोलियो अक्रॉस सेक्टर्स लाइक लाइटिंग, बिल्डिंग, ई मोबिलिटी, स्मार्ट मीटरिंग एंड एग्रीकल्चर एट ए स्केल विच हैज़ नो ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन एबल टू अचीव। पॉइंट फोर है ESL फोकस ऑन सॉल्यूशन ड्रिवन इनोवेशन विद नो सब्सिडी और कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिफ्थ पॉइंट है इट इज़ एबल टू डू सो यूजिंग इट्स पे एज यू सेव मॉडल पे ये काम करती है। पॉइंट सिक्स है विच ऑब्विएट्स द नीड फॉर एनी अपफ्रंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाय द कंज्यूमर। द एंटायर इन्वेस्टमेंट बाय ESL इज रिकवर्ड थ्रू मोनिटाइज एनर्जी सेविंग ओवर द शेड्यूल्ड प्रोजेक्ट पीरियड। सेवेंथ पॉइंट है ESL इज प्रमोटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ जॉइंट वेंचर ऑफ फोर रेप्यूटेड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। पहली NTPC लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, तीसरी है REC लिमिटेड एंड फोर्थ है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। एट पॉइंट है ESL हैज़ नेट वर्थ ऑफ INR 8.3 बिलियन एज ऑन 31/3/2019। तो दोस्तों ये इसके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन थी ESL के बारे में जो कि आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आपके लिए मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँ। थैंक यू।